दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बिजनेस कार्ड को किसी एमएस वर्ड में किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, उसको बनाना हम सीखेंगे। तो पहले यहाँ पे सवाल आते हैं कि बिजनेस कार्ड जरूरी क्यों होते हैं, यानी कि उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो आपको बता दूं, जो बिजनेस कार्ड है वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो एक तरह का ब्रांड होता है। बिजनेस कार्ड से आपका बिजनेस जो है एक तरह का ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। बिजनेस कार्ड आपकी जो डिटेल है, जैसे नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, इसके साथ साथ आपके बिजनेस की इमेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमें अपने बिजनेस के लिए जरूरत पड़ती है बिजनेस कार्ड की। तो आज के वीडियो में वही सब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इस बिजनेस कार्ड को बनाएंगे, वो भी एमएस वर्ड में, बहुत ही सिंपल ट्रिक और मेथड्स के साथ। तो दोस्तों ये जो मेथड है ये सिंपल मेथड है। अगर आपको एडवांस में बिजनेस कार्ड सीखना है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए एडवांस बिजनेस कार्ड, तो मैं आपको एडवांस बिजनेस कार्ड भी बनाना सिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। डिपेंड्स ऑन योर कमेंट कि कितने ज्यादा कमेंट आते हैं, उसके ऊपर मैं आपको एडवांस बिजनेस कार्ड भी बनाना सिखा दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके कंप्यूटर का ट्यूटर गोविंद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कंप्यूटर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, आज के वीडियो में हम बिजनेस कार्ड सीखने वाले हैं, वो भी एमएस वर्ड में। तो उसके लिए हमें कुछ पीएनजी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम अपने बिजनेस कार्ड में डेकोरेशन के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये सारे बिजनेस कार्ड के वेक्टर पीएनजी रूप में आपको मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर जो वीडियो में मैं यूज कर रहा हूँ पीएनजी वेक्टर, उसको आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि वो सारे पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करें आप। तो ये सारे चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, उनको सेव करके रख लीजिए और उसके बाद चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ देखिए हमने अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। और सबसे पहले हमें अपने पेज को सेटअप करना पड़ेगा एक विजिटिंग या बिजनेस कार्ड के साइज में। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ कि हमारे बिजनेस कार्ड का क्या साइज होता है। मैंने गूगल पे डाला बिजनेस कार्ड स्टैंडर्ड साइज, तो उसने हमें बताया 3.5x2 इंच का बिजनेस कार्ड होता है। तो ये सेम साइज हम इस पेज का करने वाले हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ लेआउट में। लेआउट में जो मार्जिन है वो जितने कम हो सके उतने कम रखने। तो सबसे कम वाला जो है वो नैरो है, तो नैरो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओरिएंटेशन को स्किप करते हैं और आते हैं साइज में। तो साइज हम यहाँ से चूज करने वाले हैं मैनुअल वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम कोई भी साइज लेंगे उनका साइज बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ आएंगे मोर पेपर साइज, ये आ गया। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर हाइट और विड्थ का ऑप्शन है। तो हाइट और विड्थ जैसे कि अभी हमने गूगल पे सर्च किया, 3.5 विड्थ होगी और 2 इंच की उसकी हाइट होगी। तो 3.5 और 2 ये हमने यहाँ पे डाला और इसको ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास जो पेज का साइज है ना, वो एक बिजनेस कार्ड के अकॉर्डिंग आ गया है। अब हम यहाँ नीचे से इसको क्लिक करके जूम भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल दबाकर स्क्रॉल करेंगे माउस को तो भी आपकी स्क्रीन जो है वो जूम हो जाएगी। तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जूम कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ होम में, और यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है आप देखोगे इस सेटअप के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं इस तरह से। और अब यहाँ पर जो हमारा पेज है वो वाइट कलर में दिख रहा है, तो पहले हमें इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में सबसे लास्ट ऑप्शन होता है हमें हमारे पास पेज कलर का, इसको चूज करेंगे और यहाँ से कोई एक पेज का कलर ले लेंगे जो भी आपको अपने बिजनेस कार्ड का रखना है बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ ये ब्लू कलर, ये मेरा बिजनेस कार्ड का कलर हो गया। दूसरा जो कलर है वो मैं बाद में लूंगा, जो भी मैं सेप इसमें डालूंगा उसके अकॉर्डिंग। हम वापस से जाएंगे इंसर्ट और यहाँ से शेप इसमें डालेंगे। तो आपने लेटर हेड वाली वीडियो में देखा होगा, हमने एक जो शेप है उसको इंसर्ट करके डिज़ाइन बनाया था, तो कुछ डिज़ाइन हम इस बिजनेस कार्ड में भी बनाने वाले हैं। अगर आपने वो लेटर हेड वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से स्टैंडर्ड और एडवांस दोनों लेटर हेड का वीडियो आप देख सकते हैं, और यहाँ ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब जो हम शेप में यहाँ आ चुके हैं, शेप हम यहाँ से लेने वाले हैं जो हमने लेटर हेड में ली थी, वो थी ये मैनुअल इनपुट वाली शेप। और इस शेप को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमें ऐसे बना देना है इस कार्ड के हाफ में, बीच में, ठीक है। ये शेप बन गई, आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे।
अब जैसे इस शेप पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको शेप फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर साइड में आपको एडिट शेप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, उसके बाद आपको एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो ये एडिट पॉइंट्स आप देखेंगे, जो आपको शेप है ना वो अपने पेज के अंदर रखनी है। अगर बाहर रखेंगे तो ये जो पॉइंट है ना ये बाहर चले जाएंगे और फिर आप इनको एडिट नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन में। तो अब हमने एडिट पॉइंट्स किया तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं एडिट करने के लिए। तो इस पर आपको एडिट नहीं करना है, इस पर ये माउस कर्सर को ले जाकर क्लिक करना है। इधर क्लिक करेंगे तो देखिए ये दो पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे इस तरह से, और सेम चीज़ यहाँ पर माउस कर्सर को लाना है और क्लिक करना है तो इधर भी दो पॉइंट ऐड हो जाएंगे इस तरह से। तो हमें जो एडिट करना है ना वो इन पॉइंट्स को करना है। तो चलिए पहले हम इनको एडिट कर लेते हैं ये, और ये देखिए इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी शेप हम देंगे। इधर भी क्लिक करेंगे और इसको भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख लेना कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और ये जो शेप है उस रिक्वायरमेंट में आ रही है या नहीं। थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको जब भी लगे आपकी शेप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बन चुकी है या आपकी रिक्वायरमेंट में आ चुकी है तो आप वहीं पे इसको छोड़ दीजिएगा और आपको फिर बाहर क्लिक करना है। तो आपकी जो शेप है वो ऐसे कुछ दिखेगी। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को ये जो ऊपर वाला और इधर नीचे वाला जो हिस्सा है ना ये थोड़ा अपोजिट साइड चाहिए, तो मैं इसके लिए शेप को ना फ्लिप करूँगा। तो इस शेप को फ्लिप करने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ रोटेट में जाता हूँ और इस शेप को फ्लिप हॉरिजॉन्टली चूज करके फ्लिप कर लूँगा इस तरह से, ठीक है। और जब कॉर्नर है ना उनको पूरा मैं मैच कर दूंगा क्योंकि अब मेरे को कोई एडिट पॉइंट्स उसके नहीं चाहिए हैं। अभी भी मेरे को कुछ फिट नहीं लग रहे हैं ये पॉइंट्स, तो मैं दोबारा से एडिट कर लूँगा। अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको फिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा ठीक है। अब क्या करना है, हमें नीचे वाली जो शेप है ना उसको कलर देना है। तो सबसे पहले इस शेप को उठा के थोड़ा सा ऊपर करिए, इसको कॉपी और पेस्ट कीजिए। नीचे आ गई दूसरी शेप, नीचे वाली शेप को नीचे और ऊपर वाली को थोड़ा सा सेंटर में करना है हमें ये। अब जो नीचे वाली जो शेप है हमारी इसको हम देंगे सेकंड प्राइमरी कलर। तो हम यहाँ से शेप आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन, और शेप फिल में हम यहाँ से कलर चूज करेंगे ये, ठीक है। और बीच वाली जो शेप है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको सेलेक्ट करके वाइट कलर में डाल दीजिए, वाइट कलर, और आउटलाइन कर दीजिए नो आउटलाइन। तो आप देख सकते हो ये बेसिक जो है वो हमारा कार्ड का रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपनी डिटेल डालेंगे जो हमें डिटेल चाहिए। इंसर्ट में जाएंगे, शेप और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और जल्दी जल्दी हम अपनी डिटेल यहाँ पे डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल लेता हूँ अपना नाम, जो हमारा दूसरा चैनल है बाइक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, मैं उसका भी बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ तो उसी की डिटेल मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। और यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी हमें चाहिए। मेरे को ये फॉन्ट अच्छी लगती है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये ठीक है। और अब जो इस शेप का आउटलाइन कलर है वो नो आउटलाइन कर देंगे और जो फिल कलर है उसको नो फिल कर देंगे। और इस फॉन्ट का जो कलर है वो हम देंगे होम पे जाके वाइट, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसका जो एडजस्टमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज़ यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके वीडियो को आगे एंजॉय करें। ये तो हमारी कंपनी का नाम हो गया, अब इसके नीचे हम अपना नाम भी डाल सकते हैं। तो वापस शेप, टेक्स्ट बॉक्स, बस आपको करना यही है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है बार बार और डिटेल फिल करते रहना है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ दोबारा से। होम में जाएंगे, इसकी भी फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर देंगे। शेप आउटलाइन नो, फिल नो, और जो इसका कलर है वो भी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई डिटेल। इसी तरीके से अगर कोई और आपकी डिटेल है तो उनको आपको इसके नीचे लगा देना है। तो चलिए लगाते हैं वो बाकी की डिटेल। सबसे पहले मैं यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ एक ओवल शेप। इस ओवल शेप का कलर मैं ब्लू रखूंगा
तो शेप आउटलाइन तो नो आउटलाइन कर देंगे, और जो शेप फिल का कलर है वो हम यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेकंड वाला। ठीक है, अब इसमें हम एक वेक्टर या फिर कोई इमेज देंगे जो हमारे डिटेल से मैच करती हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर देने वाला हूँ, तो फ़ोन नंबर के लिए मैं यहाँ पे रिसीवर का वेक्टर डालने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आ जाऊँगा इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस, और अपने सिस्टम से या अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से मैं वो जो पिक्चर जहाँ पे सेव है उसकी लोकेशन सेट करके वो पिक्चर जो है इंसर्ट कर लूँगा। तो जहाँ पर भी सेव हो आप जल्दी से कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये रहा वो कॉल का आइकन, इसको इंसर्ट करता हूँ, ये आ गया। राइट क्लिक करके इसको रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है, और कॉर्नर से कंट्रोल दबा के इसके साइज को छोटा कर लेना है, और फिर एरोज की से इसको सेंटर में लेके आना है इस तरह से। और पिक्चर फॉर्मेट जब आपके पास आएगा तो कलर में जाके सबसे पहले आपको ये वाइट कलर चूज करना है, और आर्टिस्टिक में से सबसे लास्ट लाइन में ये जिसमें कुछ नहीं दिख रहा वो वाला, तो उससे जो कलर है उसका वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, इसमें हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, और जो फॉन्ट का साइज है या फिर है वो हम यहाँ से डन कर देंगे इस तरीके से। और फॉन्ट का जो साइज है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। बाकी आपको पता ही है, नो आउटलाइन और नो फिल हमें चूज करना है इनमें। और जो इस फॉन्ट का कलर है वो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं सबका कलर लगभग वाइट ही रखने वाला हूँ। अब क्या है, ये सेम चीज हमें इधर अपने कार्ड में डालनी है, तो मैं क्या करता हूँ इसका एक ग्रुप बना लेता हूँ। तो मैं इन पर क्लिक करूँगा कंट्रोल पिक्चर के साथ, उसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद सेव फॉर्मेट में आकर हमें इनको ग्रुप कर देना है। ये ग्रुप बन गया है इन तीनों का, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कॉपी कीजिए और नीचे पेस्ट कर दीजिए। ये नीचे आ गई डिटेल, ये और ये, इन दोनों को कॉपी कीजिए और इधर पेस्ट कर लीजिए, और इनको उठा के यहाँ पर लगा दीजिए ऐसे। तो इस तरह से आपका टाइम बचेगा, आपको बार बार ये सिर्फ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, इनकी हम जो डिटेल है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर फ़ोन नंबर है, ये ओके है। यहाँ पर इस डिटेल को चेंज करने के लिए पहले इसके आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आइकन पर क्लिक किया, पिक्चर फॉर्मेट आ गया। पिक्चर फॉर्मेट में आप देखेंगे यहाँ कलर के सामने आपको ऑप्शन मिलेगा ये, उसके बाद फ्रॉम फाइल, इसको चूज करना है, और इस आइकन को आप जिससे रिप्लेस करना चाहते हो उससे रिप्लेस कर देना है, जो भी डिटेल आप यहाँ लगाना चाहते हैं। तो मैं इस डिटेल को चेंज करूँगा एड्रेस से, तो मैं ये होम का आइकन यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा इस तरह से। बस अब आपको जाके इसका कलर चेंज करना है। ये लीजिए, मैंने कलर चेंज कर दिया, और एड्रेस मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ये डिटेल मैंने डाल दी, फॉन्ट को सेलेक्ट करके इसको छोटा कर देना है, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ नीचे अपनी आईडी देंगे, मेल आईडी। तो जल्दी से इसको भी चेंज करते हैं उसकी तरह। ये हमने चेंज किया, वापस इसका कलर चेंज करेंगे, और यहाँ पर अपनी मेल आईडी इनपुट कर देंगे। फॉन्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा कर देंगे, और अब यहाँ पर बाकी की जो डिटेल बचती है वो डाल देंगे। इसका भी आइकन चेंज करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट डाल देंगे। दोस्तों, हमारी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसी बन जाएगी हम उसको लॉन्च कर देंगे। तो ये लीजिए, अब देखिए यहाँ जो ऊपर जगह बची है यहाँ पर हम अपना लोगो इंसर्ट करेंगे। लोगो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा एक ओवल शेप में इमेज इस तरीके से, ये इमेज है, और इस इमेज के अंदर हम अपना लोगो इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये इमेज आ गई, और इस इमेज का जो कलर है वो मैं करने वाला हूँ वाइट, ताकि ये इसमें मैच हो जाए, और जो आउटलाइन है इसकी वो कर देंगे नो आउटलाइन। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक लोगो का ये जगह जो है वो बन गई है। तो अब हम यहाँ पर अपना लोगो इंसर्ट करते हैं। तो जाएंगे हम इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस,
अब अपना लोगो हम जहाँ भी हमारे सिस्टम में सेव होगा हम वहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो लीजिए ये हमारा लोगो आ गया, इस पर राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले आएंगे और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और जो इसकी रिक्वायरमेंट है हम छोटी बड़ी कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये लीजिए हमारा लोगो भी इसमें लग गया है। बाकी की जो रिक्वायरमेंट है आपको YouTube, Facebook या Instagram के लिंक वगैरह देने हैं तो आप अपने नाम के नीचे यहाँ पर डाल सकते हैं वो चीज़ें, और डिज़ाइन जो है वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा ये हमने बिजनेस कार्ड बनाना आपको सिखाया। अब आप इसी की कॉपी जो है वो बना सकते हैं, निकलवा सकते हैं PDF में भी। PDF में सेव करना भी मैं बता देता हूँ। आप जाएंगे यहाँ फाइल में, उसके बाद आपको ये सेव एज में जाना है और यहाँ पर ब्राउज में जाके लोकेशन एक दे देनी है कि आपको ये कहाँ पे लोकेशन सेट करनी है सेव करने के लिए। तो मैंने अभी देखिए डेस्कटॉप पे दे दी और यहाँ मैं डाल रहा हूँ कार्ड न्यू, ठीक है, कार्ड न्यू डाला और नीचे यहाँ देखिए सेव एज टाइप में हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है PDF। आप PDF जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपका जो ये वर्क है, आपने जो भी काम किया वर्ड में, वो PDF में सेव होगा। और मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये सेव हो चुका है। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ, तो ये देखिए ये रहा हमारा कार्ड जो PDF में सेव होकर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इस तरह से आप अपने कार्ड को बना सकते हैं PDF में और प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हमने बिजनेस कार्ड को बनाया MS Word में। बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, आप भी इस तरह से बना सकते हैं, अपनी किसी भी डिटेल को रिप्लेस कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डिटेल है वो भी ऐड कर सकते हैं जहां पर जो साइड में जगह बची हुई थी बिजनेस कार्ड में वहां पर। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया, सेटिस्फाई है वीडियो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज से फुल वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, उससे मिलेंगे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। तो दोस्तों मिलता हूं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज बी सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।